उपाध्यक्ष महोदय, बेमौसमी बारिश की वजह से जो ये प्राकृतिक आपदा आई, इससे बहुत ज्यादा जान माल का, फसलों का, पशुओं का, इंसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ में जो पोर्टल की सरकार ने जब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाए हमारे क्षेत्र में, मैं अगर झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 2 या 3 दिन ये पोर्टल खुले और चले नहीं। हमारे यहाँ झज्जर में केवल मात्र 60% किसानों ने रजिस्टर्ड किसान के तहत मेरी फसल मेरी योजना के तहत जो है ब्योरा के तहत रजिस्टर्ड करवाया। उसमें से मात्र 30% किसान ऐसे हैं जो कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाए, और उनमें से भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हुआ। और वैसे भी मैं कहना चाहूंगी, जहां पर हम कांग्रेस के विधायक हैं, जब इस तरह की आपदा आती है, मेरे जो एडजॉइनिंग एरिया है विधानसभा के, दूसरे में नाम नहीं लूंगी किन किन हलकों में, मंत्री जी का हलका है चाहे कोई दूसरे हलके हैं, सब में मुआवजा बटा। हमारे यहाँ पर जो 60% या 75% खराबा दिखाया गया, और जब उसको चढ़ाया गया पटवारी के द्वारा 25% से उसको कम दिखा दिया गया। बहुत अन्याय हमारे क्षेत्र के साथ हुआ। हमारा लो लाइन एरिया वैसे ही थोड़ी सी बारिश के साथ जो जल भराव हो जाता है, उसमें ड्रेनों की सफाई नहीं है, भिंडावास की लेक की सीपेज की वजह से वहां पर दिक्कत है, एनटीपीसी का जो वाटर वर्क्स बने हुए हैं उसके टेबल की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत कि हमारे यहाँ पर न केवल खेतों में पानी भरा, खेतों के साथ साथ जो गांव में पानी भर गया, जो तालाब ओवरफ्लो हुए, उसकी वजह से पूरे के पूरे गांव भी जलमग्न हो गए, फसलें भी बर्बाद हो गई। ना तो पिछली फसल बुई, ना इस बार फसल बुई, ना पिछली फसल का मुआवजा मिला, और ना ही इस बार की जो फसल थी उसका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ। और उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ये जो क्लस्टर है, इसमें हमारे जो एग्रीकल्चर की जो इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पर किसी का एम्पैनल नहीं हुआ, एम्पैनल नहीं है वो कंपनियां। विशेष तौर से मेवात है, झज्जर है, चरखी दादरी, पानीपत, पलवल, भिवानी, यमुनानगर, फतेहबाद, इनमें कोई कंपनियां ही नहीं है जो फसल बीमा योजना के तहत कंपनियां हो। वैसे भी ये मेरी ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये तो मैं समझती हूँ इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ देने के लिए है। किसानों को तो अगर कोई बात आती है तो पोर्टल पर पोर्टल एक दोबारा बना दिया जाता है। दो बात कैसे, एक तरफ कह रहे हो कंपनी नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हो लाभ। ये मजाक का विषय नहीं, आप पता करें कंपनियों को। ये कंपनी हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जुलाई तक जो कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो हमारे क्षेत्र में ये कंपनियां एम्पैनल्ड नहीं है इस समय। एक तरफ तो ये सरकार नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हो कहीं भी वो इंश्योरेंस लाभ देने के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। कंपनी है नहीं है और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर है कि कंपनियां मुआवजा, क्या ये आज कॉलिंग अटेंशन के सब्जेक्ट से रिलेट करता है? आप खुद चेयर पे बैठे हैं, क्या ये टॉपिक पिछले साल का मुआवजा इस साल के फ्लड से रिलेट करता है? जो सदन में फ्लड जो इस बार, फ्लड जो पिछली बार आया या इस बार आया, आप कृपया प्रश्न ये है, आप इस बात की जांच करवाएं कि झज्जर के अंदर क्षतिपूर्ति पोर्टल कितने दिन चला, और जल भराव की वजह से जो डेंगू की बीमारियों से डेथ हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हुई है, सरकार ने उस पर संज्ञान लिया कि नहीं लिया? हमारे विधानसभा क्षेत्र झज्जर के साथ भेदभाव क्यों किया गया, मेरा ये प्रश्न।